दिया है, मतलब फील करवा दिया, वो भी समझता है ये चित्र में क्या हो रहा है बाय वर्च्यू ऑफ द टेक्सचर दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू द मेन कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल. सो एवरीवेयर फॉर एग्जाम्पल वेयर द कैरेक्टर कम्स इट विल हैव द सेम विजुअल द सेम टेक्सचर. तो जहां भी जीत का पटका है वो इसी तरह का विजुअल उसको टेक्टाइल इफेक्ट है. पढ़ने के लिए क्या किया हमने, इस स्लाइड में दिख रहा है, हमने यहां नीचे ब्रेल दे दिया राइट और यहां पर ही टेक्स्ट है. तो अगर ऋचा और मैं दोनों ये किताब पढ़ रहे हैं तो ये किताब ऐसे खुली, मैंने ऐसे पढ़ ली, ऋचा ने इस तरह पढ़ ली, तो क्या हुआ, मैं और ऋचा इक्वल अपॉर्चुनिटी. कब है ये छोटे बच्चों के लिए. तो जब आप छोटे से, जब आप सिर्फ क्लास 1, 2, 3 में हैं, आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, आपने देखा कि मैं उतनी ही तेजी से पढ़ ली जितना ऋचा पढ़ी. सो देयरफॉर यू आर नॉट लुकिंग एट मी एज ओनली, इफ आई मे यूज द वर्ड दैट आई हियर व्हेन आई डू रिसर्च, सूरदास. ये तो सूरदास है, ये थोड़ी पढ़ेगा कहानी, इसको तो टेक्स्ट ही पढ़ा ले इस तरह का बुक देकर तो काफी है. सो दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पेरेंट द टीचर द आंट एंड द चिल्ड्रन देमसेल्व्स, वी वर्कड ऑन दिस इन द अर्ली इयर्स, सो दैट दीज आर द इयर्स व्हेन द फाउंडेशनल इयर्स व्हेन यू आर फॉर्मिंग द एटीट्यूड्स इन लाइफ, यू आर फॉर्मिंग द करेक्ट एटीट्यूड्स व्हेन यू आर वर्क रीडिंग अ बुक टुगेदर एंड व्हेन यू आर रीडिंग अ स्टोरी टुगेदर यू विल एंजॉय इट एंड योर कैमरेडी दोस्ती यारी ज्यादा जोर से बनती. तो इसलिए हमने अपनी ही किताबें लेकर UDL की प्रिंसिपल पे कैसे बदल सकते हैं हम कैसे बना सकते हैं किताबें, हमने वी हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट दिस. लेट मी टेक यू थ्रू सम मोर फीचर्स. सो व्हाट वी हैव डन इज दिस ब्रेल इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेल दैट यू यूजुअली यूज. द यूजुअल ब्रेल दैट वी यूज, इफ यू यूज इट ओवर अ फ्यू ईयर्स इट टेंड्स टू गेट ब्रेस्ट, यू नो इट बिकम्स In 2-3 years, children cannot use it. The braille we have used here is of a quality which is very different. You can scratch it, you can press it, nothing happens. It has a longer shelf life and it text can be embossed on it. So you can have both braille and text together. That is the, one of the greatest, biggest innovation that exists in this book. It is not going to, it has a shelf life of many hundred years as against 2 or 3 years of regular braille material. Let us see how we have worked on the visuals further. I told you about the texture. We have given outlines of face outlines, you can see it in your book. We have given computerized texture in some two objects such as a curtain here, and we have also given some figures in high resolution. So we have dulled the background and the main character stands out. तो अगर इस कहानी में जीत छुपन छुपाई की गिनती गिनने जा रहा है तो जीत का फिगर उभर के आता है, बाकी डल हो गया. तो अगर मैं लो विजन बच्चा हूँ तो मेरे को जीत को देखने में बड़ी आराम से देख सकूँ, और बाकी बच्चों के लिए भी ये कोई अलग चीज नहीं है, उनको भी आनंद आएगा अगर मेन कैरेक्टर खास तौर पे देखे. Let's go to some 2 or 3 other things that we'll share with you regarding the print. We are all very conscious that children, when they read, they come across words that are difficult. Ab jab kathin word aaya, bachcha us pe haath rakh deta hai, chupa deta hai, idhar dekhta hai, udhar dekhta hai, aur dikhana chahta hai ki main padh liya. Aur kisi ko batana nahi chahta hai ki mere ko ye kathin shabd. Kabhi kabhi jab teacher ko pata lagta hai, bachche ko sikhane ke tarike kabhi kabhi बच्चे की सेल्फ कॉन्सेप्ट को लो करते हैं. इसमें हमने फ्लैश कार्ड दिया है जिसमें कठिन शब्द दे दिया, तो क्या हुआ, बच्चे ने पढ़ा, कठिन शब्द खोला, खिड़की देखा और बंद कर. 10 बार भी कर सकता है, 5 बार भी कर सकता है, 1 बार करके भी आगे जा सकता है. सो ही इज नॉट फीलिंग इन एनी वे इंटिमिडेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड और फीलिंग दैट आई एम different from another child if I have to repeat learning the word in many ways. Now here again we have given the word in braille as well.
So darwaza, darwaza. Now if you look closely, friends, at this picture, the darwaza is not a full picture. You know, if I have never seen a darwaza, or if I don't, what we have done is the flashcard picture is a real picture of the darwaza. It gives you a full picture of what a darwaza is. This may not be a complete picture. So these are the sort of flashcards that we have introduced in this. We have also in the print material, friends, done things that add to a child's reading abilities. For example, when children are reading in the early years, they need to know where to begin and where to end a sentence. So you have a green dot and a red dot, which tells you the sentence ends here, go to the next. Inki spacing bhi theek ki hai. Ab ye bhi feature aisa hai, jo sab bachchon ko theek acha padhne mein madad karega. And also those children who are struggling to read. I will again not give labels to children. I'll just say those who may be struggling to read will find this tip useful. We have a black border that comes on the page, if you notice. This helps to draw the line in. Because if you see here, the pictures merge. It's very difficult to see ki kya ho raha hai. Black border se bacche ke liye dekhne mein bahut aram se wo dekh sakta hai. Ek chota sa arrow de diya niche. Isse kya hua? Pata laga next page pe jana hai. Agar aap kitab ko band karke dekhenge aur idhar se dekhenge, kitab mein kuch aapko antar nahi dikhega. Lekin agar aap turn karenge to aap dekhenge कि यहाँ पे हमने कुछ कुछ किया है कि पेज टर्निंग में हेल्प करेगा. दिस ग्रेडेशन इज गिवन सो दैट अ चाइल्ड कैन टर्न पेजेस वेरी कंफर्टेबली. कई बार बच्चे दो पन्ने पलट देते हैं, राइट, एंड देन लिंक टूट जाता है स्टोरी. सो दीज आर फीचर्स नॉट ओनली फॉर अ सेरेब्रल पालिसी चाइल्ड बट फॉर ऑल चिल्ड्रन. दे विल फाइंड इट ईजी टू टर्न द पेज. वी हैव गिवन अ वायरो बाइंडिंग. वी हैड स्टेपल्स हियर इनिशियली. जब ब्रेल रीड करेंगे तो अगर आपका हाथ स्टेपल पे आ जाएगा तो बच्चे को नहीं ठीक लगेगा. और जब आप ब्रेल पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, द बुक नीड्स टू फॉल फ्लैट, देन ओनली कैन यू मूव योर हैंड, राइट. यू कैन नॉट मूव योर हैंड इफ द बुक इज नॉट लाइंग फ्लैट ऑन द टेबल. सो दीज आर सम फीचर्स दैट वी हैव एडेड इन द प्रिंट मटीरियल टू मेक दिस बुक यूनिवर्सल डिजाइन बेस्ड एंड इंक्लूजन बेस्ड. We have also added a note for parents and teachers. एक ही पेज ऐड किया. देखिए UDL का पहला प्रिंसिपल है, इस किताब में अगर 16 पन्ने हैं, इसमें भी 16 हैं. हमने इसमें 32 नहीं कर दिए. हमने ब्रेल इस तरह का पेज मोटा दिया ताकि ब्रेल इधर भी आ गया और बैक में भी आ गया. दोनों साइड ब्रेल है. और अगर हम ये बड़ा किताब देते तो मोटा हो जाता है. अब शुरू के क्लासेस में हम बुक्स ऐसी दे सकते हैं. जब बच्चे आगे जाएंगे शायद इतना टेक्स्ट ऐसे नहीं. लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, शुरू के ईयर्स में आपकी फाउंडेशनल ईयर्स में इंक्लूजन का जो हमारा मकसद है, बच्चे मिलजुल कर पढ़ें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचाने, वो हो जाता है अगर हम कहानियों के थ्रू. और इन कहानियों में ये कहानियाँ बच्चों की जिंदगी के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई. इनमें सिर्फ 1, 2, 3 और 4 लाइन है. 4 लाइन की किताबें एंड में आती हैं. और ये इस तरह की किताबें हैं कि 12वीं जब हम इसका ट्राई आउट कर रहे थे, 12th क्लास के बच्चे आकर जो स्कूल में जिनको ऐसी किताबें पहले नहीं, जब उनको पता लगा और वो मेंटर कर रहे थे छोटे बच्चों के साथ, उनके साथ बैठ के वो आकर कहते हमको भी दिखाइए ये किताब. And they enjoyed reading it because a story is a story, it's the same. Let's quickly now see, friends, some features of the digital version that I talked about. Digital version mein pehli baat to ye sab features jo print mein hai, sabhi features digital mein bhi hai. So therefore they are, these both these sets are equal in all respects. We also have some other features that we have added. I'll quickly share those with you. When we ask teachers to use a digital version, they say, how do we go about it? Tell us some more details, because many teachers are not savvy with digital. So we have added a how to use page ad, which we have very clearly directions, chote-chote diye hai, icons, which children and parents can understand how to use it.
we have, and the main focus of the digital version is for children who may have difficulties in seeing the text. तो हमने जो background है, वो तीन colors में आप change कर सकते हैं. आप blue और yellow देख सकते हैं, white and black देख सकते हैं. There is an option of changing the color background in the digital version. That's another very specific feature. You can also increase the print size. 12 से 23 तक कर सकते हैं, 24 तक कर सकते हैं, 40 तक कर सकते हैं. It is based on your visual need. And you can also read it for 12 as well. So you can change the background and the print size. And you also have another very interesting feature. छुपन छुपाई की कहानी. अगर आप थोड़ी देर के लिए एक बच्चे को अपने सामने imagine he is standing in front of us. He has never played this game. Okay? You will say, कैसे हो सकता मैडम? Hide and seek तो सभी बच्चे खेलते हैं. अगर मेरी, मैं बचपन से बिना vision के पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को शायद किसी ने involve नहीं किया खेल में, और ना मैं कभी छुपा, ना मुझे किसी ने ढूंढा. But we want all children to play and to enjoy this story and the game. So what did we do? Again, friends, all this has been worked through many workshops and national experts who came and we thought about all these changes page-wise in each story. And a lot of data was collected and analyzed. Now, back to the child who may not have ever played the game. What have we done in the digital version? We have provided an introduction to the story. Okay, let's hear and see this introduction. The introduction of the story is by in a regular audio video format and also in a sign language format. Okay, so a child can go to anyone without, again, we are not discriminating him. This can be done very subtly by children. We'll show you how it works. छुपन छुपाई. दोस्तों, आप और मैं तो बहुत से खेल खेलते हैं, कुछ घर के अंदर और कुछ घर के बाहर. चलो आज एक ऐसे ही खेल के बारे में जानते हैं. इस कहानी में बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं. जानते हो यह खेल कैसे खेलते हैं? इसमें एक बच्चा अपने छिपे हुए दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है. चलो देखते हैं जीत, बबली और उनके दोस्त कहां कहां छिप रहे हैं, कौन किसको ढूंढ रहा है. पढ़ते हैं कहानी छुपन छुपाई. And now see how if I cannot hear this, what would I do as a child? I would just go and press on the icon which indicates that it comes to me in sign language. चुपन चुपाई. दोस्तों, आप और मैं तो बहुत से खेल खेलते हैं, कुछ घर के अंदर और कुछ घर के बाहर. चलो आज ऐसे ही एक खेल के बारे में जानते हैं. इस कहानी में बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं. जानते हो यह खेल कैसे खेलते हैं? इसमें एक बच्चा अपने छिपे हुए दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है. चलो देखते हैं जीत, बबली और उनके दोस्त कहां कहां छिप रहे हैं, कौन किसको ढूंढ रहा है. पढ़ते हैं कहानी छुपन छुपाई. And then now the child can go on to each page of the story and change, as I said, the background. This allows, as I said, the child to choose without being noticed that he is choosing a medium that may be different. So this is an innovation that we have done in the digital version. All this was not done in a day. We have put together this material with great care, as I said, a series of workshops with experts, a tryout, a rigorous tryout of both the print and digital version. Ek choti si aapko kahani ya experience batati hu tryout ka. Hum log subah subah ja rahe the class mein बच्चों के साथ शेयर करने के लिए डिजिटल. पीछे पीछे एक पेरेंट दो हमारे पीछे आए, हस्बैंड एंड वाइफ
father and mother. The mother was sighted. The father had no sight. And he said, madam, आप NCERT की टीम से हैं, हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं. मेरा एक निजी एक्सपीरियंस जो कल मेरे बच्चे कहानी की किताब घर लेके आए. मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को एक पूरी कहानी पढ़कर सुनाई. सो वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट इज कि मैंने, आई रिपीट, पहली बार अपने बच्चे को एक कहानी पूरी पढ़ के सुनाई. नेवर डिड ही गेट अ बुक विच हैड ब्रेल एंड टेक्स्ट टुगेदर. सो द हिज चाइल्ड सैट इन हिज लैप एंड ही एज अ फादर, फादर हु इज ब्लाइंड read the story to the child. So the point that we are trying to make is, we think we have done this for children only and for inclusive classrooms only. The reach is far beyond that. We sometimes may not even know what the reach is. So when we prepare material that's for all, it's really for all. As the director said in the very beginning, it's preparing inclusive societies. It's empowering all and making all part of the learning and teaching and learning process. So the tryout has many, many anecdotes for us and many visuals we have captured. We want to roll this out in the country. We want every library to own this set of books. We want the digital version to become viral. You know, the digital version can be accessed free of cost. So we want these 40 storybooks to be in every child's reach in whatever way it is possible. Because this package that we have prepared consists not only of 40 such storybooks and the digital version, we have taken care to prepare awareness material as well. We have two brochures, one in Hindi and one in English, which spells out the process of making it, the characteristics of these additional features that we have added. We also have prepared an orientation booklet, which is in your folders as well, which tells you about this entire journey that we have taken. We don't want to end this with here. We have the last page of this orientation booklet, which talks about a handbook. This year, we are going to work on this handbook for promoting reading as well. Promoting reading for all children in regular classrooms. So we have, in this orientation booklet, we have tried to summarize the entire journey that we have taken to prepare this material. So this package consists of 40 print booklets, a digital version, and awareness material. Our slogan is, which we have captured here, one book for all in the early years. We feel all children should read one book because that only will lead to true inclusion. If I read a separate book in one corner of the room and the other children read others, we will never be able to learn together and read and enjoy together. So that is the focus, friends, of this material. It provides an opportunity for all children to read together. It provides one book to read, as the director said right in the beginning, with meaning and pleasure. It leads to a non-threatening and non-discriminatory environment. It builds dosti, camaraderie, between children with different varied needs in a very subtle manner, and it strengthens the move towards building inclusive societies. It leads also, very importantly, in the early years, to accept diversity.